हेलो गाइस, आज हम आए हैं खाटू श्याम घूमने राजस्थान। पीछे बैठे हैं बड़े जियाजी और गाड़ी चला रहे हैं छोटे जियाजी। हम पहुंच गए राजस्थान। हम सुबह चले थे 7:40 पर और अभी टाइम हो रहा है 3:22। गलत आ रहा भाई, टाइम क्या, टाइम कितना हो गया, 1:26। कितने घंटे लगे हमारे को, अपना 5 घंटे, 5:30, 6 घंटे, 6 घंटे लग जाएंगे। 6 घंटे में हम पहुंचे हैं खाटू श्याम और अभी यहाँ से हम 10 किलोमीटर दूर हैं मंदिर से। हम आए अपनी गाड़ी से और अब सामने देखो लोग बाग इतनी गर्मी में पैदल पैदल कैसे जा रहे हैं। चलो जी, आ गए हम खाटू श्याम। ये लगा दी हमने वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग में। पार्किंग चार्जेस है यहाँ पे 100 रुपये पर कार, 100 रुपये पार्किंग चार्जेस दो और यहाँ से फिर दर्शन करने जाओ। हम ले आए मंदिर की साइड पे पार्किंग करने के लिए, हम मेन रोड से नहीं आए, वहाँ पे थोड़ा वॉकिंग ज़्यादा थी इसलिए उधर की साइड नहीं लगाई। हम मंदिर के पीछे लाए, अब यहाँ से हमारे को चलना थोड़ा कम पड़ेगा, 5 से 10 मिनट के अंदर हम मंदिर में पहुंच जाएंगे। चलो, यह मंदिर की बैक साइड, यहाँ से हमारे को करीब 200 किलोमीटर चलना है, 200 मीटर हमें चलना, हम खाटू श्याम महाराज के मंदिर में पहुंच जाएंगे। ये सारा पैदल रास्ता है मंदिर जाने के लिए, प्राचीन श्री श्याम कुंड का रास्ता। श्याम कुंड पहले चलना है, अब पहले श्याम कुंड चलते हैं ना, लेफ्ट साइड पे श्याम कुंड का रास्ता है, पहले श्याम कुंड चलते हैं। ये अब हम जा रहे हैं कुंड की तरफ। यहाँ पर है ये हनुमान जी का मंदिर, ये जो है ये हनुमान जी का मंदिर है। ये हम जा रहे हैं श्याम कुंड की तरफ जहां से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। ये रहा ये कुंड, ये लिखा है शीश के दानी बाबा श्याम का प्रकट स्थल, ये वो कुंड है। ये थोड़ा सा उनके बारे में बताया हुआ है, ये पोज करके आप अपना धीरे धीरे राम राम से पढ़ लेना। ये भैया दंडवत कर रहा है, इन्होंने कोई मनोकामना मांगी होगी वो पूरी होगी तो इन्होंने दंडवत दर्शन करने आए हैं। रास्ते के दोनों साइड पे दुकानें खुली हुई हैं। अभी यहाँ से भी मतलब हमारे को 150 मीटर चलना है, अभी 50 मीटर ही चले होंगे हम। मिक्स ड्राई फ्रूट का प्रसाद है, किशमिश बादाम और नारियल। ये कुंड में जाने के लिए यहाँ पे चप्पलें उतार सकते हो, यहाँ स्टैंड बना हुआ है। आगे जाके है कुंड श्याम कुंड पुण्य वो बना हुआ, वहां देखते हैं। ये भी एक कुंड है, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। अभी हम नीचे जाएंगे, ये देखो लोग बाग वहां पे स्नान कर रहे हैं। अब हम भी जाएंगे कुंड में, नहाना तो होगा नहीं, छीटे मार के आएंगे। हम दूसरी साइड से चले जाते हैं, इस साइड पे भीड़ कम है, देख रहे ये लोग बाग आराम से नहा रहे हैं कुंड में। अब हम भी जा रहे हैं कुंड में, छीटे लेंगे। ये जो मेरे पीछे कुंड देख रहे हो ना, यहाँ पर शीश के दानी खाटू श्याम जी का शीश मिला था, तब से इस जल को पवित्र माना जाता है। लोग बाग यहाँ नहाते हैं, जिनसे इन नहाने से यहाँ पर स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है जो बोला जाता है, ज्यादा मुझे पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। कि हमने लिए गुलाब के फूल, 10 रुपए का एक फूल, प्रसाद कौन सा कितने का है, ये कितने का, और ये डब्बी में 100 रुपए।
ले लो फिर जैसे आपको लेना है। पेड़े क्या रेट है? 400 रुपए किलो पेड़े। कैसे कैसे कैसे? दो चढ़ाना है, एक घर लेके जाना है। इन तीन में से दो चढ़ा दें और एक को हम घर ले जाएं। जब दो चढ़ाओ, जब पापा से मांग लो अपनी गोपी मन्नत पूरी, एक घर लेके जाओ। जब अपनी मन्नत पूरी हो जाए, एक घर चढ़ा। तो इसको यूज नहीं करना? एक को यूज नहीं करना, घर ले जाए। घर ले जाके जब मन्नत पूरी हो जाएगी वापस लाके यही चढ़ाना। ये इत्र में तीन पैकेट, दो चढ़ेंगे एक हमें घर ले जाना है। जब दो चढ़ाओ पापा से मांग लेना कुछ भी अपनी मन्नत हो। चलो भाई अब दर्शन करने के लिए चले। ये सारे होटल बने हैं, वत्सल्य भवन बना है। 300 से लेकर 1500 तक के कमरे हैं, जिसको जैसा अच्छा लगे वो लेके रह सकता है। ये सब प्रसाद की दुकानें। वत्सल्य भवन, ये निशान ध्वज स्थल। अभी एक भैया से पूछा कि वो कहते हैं निशान ध्वज जो है यहीं पे चढ़ाए जाते हैं और जिसको चाहिए वो यहीं से उठा सकता है। अभी ये भैया इन भैया से पूछते हैं अगर हमें ध्वज चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा। हमने लिया एक ब्लॉक का फूल और एक इत्र का पैकेट। दो इत्र हम चढ़ाएंगे और एक हम साथ ले जाएंगे। ये सारा रास्ता है जिग-जैग करके बना होता है, हमें सीधा सीधा जाना है। ये रहे खाटू श्याम जी के दर्शन। स्क्रीन लगा रखी है बड़ी सी। ये स्क्रीन पे पीछे खाटू श्याम बाबा के दर्शन, ये देखो। हम आए दोपहर के टाइम, इसलिए थोड़ा रश कम लग रहा है, भीड़ थोड़ी कम है। जल्दी दर्शन हो जाएंगे, देखते हैं कितनी देर लगती है। हमारे को अभी लमसम एक मिनट हो गया इस लाइन में लगे हुए। उस साइड का पंखा लगा रखा है और ये पानी की छींटे मार रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी ना लगे, घबराहट ना हो, उसके लिए भी लगा रखा है। और ये पंखा देखो। ये रास्ता में कल उनके लिए सीनियर सिटीजन। ये सामने भी एक स्क्रीन, धूप में पता ही नहीं चल रहा स्क्रीन में, पीछे वाली स्क्रीन से पता लग गया था। ये सीनियर सिटीजन के साथ एक अटेंडेंट। ये अब हम आ गए दरबार के सामने, खाटू श्याम बाबा के सामने। अरे ये छत पे डेकोरेशन ही पड़ी है। हो गए हमारे दर्शन, रुकने नहीं देते, वीडियो नहीं बनाने देते। फटाफट जो फोटो बना ले सो बना ले, वरना वीडियो नहीं बनेगी। ये दान पत्र बने हुए प्रसाद चढ़ाने के लिए। यहाँ इत्र चढ़ाए। अच्छा, इत्र चढ़ाने के लिए अलग है क्या? सब कुछ अलग एक सही है। चलो दर्शन करके हम बाहर आ गए। ये जब मंदिर से दर्शन करके बाहर आते हैं वहां पे बना है, और ये है मेन मंदिर। इस रास्ते से हम बाहर आएंगे। ये एक नीम का पेड़ है जो अभी एक भाई साहब बता रहे हैं 100 साल पुराना है। लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए इस पेड़ पे धागा बांधते हैं। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। हमारे दर्शन हो गए, अच्छे से हो गए। ये बात अलग है कि ज्यादा देर करने नहीं देते, फटाफट बस आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। मेरी भी एक छोटी सी वीडियो बनी, ज्यादा नहीं बनने दी। वहां पे एक सिक्योरिटी वाली मैडम खड़ी थी, उन्होंने रुमला कर दिया, वीडियो नहीं बनानी, कैमरा नीचे। चलो कोई नहीं, जितनी है आप सबको भी थोड़े बहुत दर्शन हो जाएंगे बाबा के। ये आ गया हमारा खाना, कढ़ाई पनीर, दाल फ्राई और तवा रोटी बटर वाली। इनका तो फोन से बातें खत्म नहीं हो रही है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना मंदिर, ये झंडे लगे हुए हैं ये वाले, ये है मेन खाटू श्याम जी का मंदिर। यहाँ पर हम तो आए बाय कार, अपनी गाड़ी से। आप बाय ट्रेन भी आ सकते हो, उसका एक स्क्रीनशॉट मैं साइड में डाल दूंगा। सुबह दिल्ली से चलती है, मेरे हिसाब से बेस्ट है, 1 बजे पहुंचा देगी 4 घंटे में। आप उस पर आओ, खर्चा भी बहुत कम लगेगा, 200 कुछ रुपए की टिकट है। बाकी स्क्रीनशॉट पे आप पढ़ लेना टिकट कितने की है कितने की नहीं है। आओ उसके आराम से, बाकी यहाँ खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है। गेस्ट हाउस भी बहुत बने हैं, होटल भी बहुत बने हैं। एक वो हमारे पीछे लिखा हुआ है श्याम कला भवन, विश्राम गृह खाटू श्याम।
ऐसे बहुत सारे यहाँ पे होटल है छोटे बड़े, आपकी जेब जैसी हो वैसा आपको अलाउड करेगी। आप 1000 वाले में रहना चाहते हो, 1500 वाले में, या धर्मशाला में, कुछ ऐसी धर्मशाला है जो फ्री भी है उसमें भी आप रह सकते हो। कुछ में 200-300 रुपए लेते हैं, कुछ में सिक्योरिटी ले लेते हैं और बाद में आपको वापस कर देंगे जब आप चेकआउट करोगे, मतलब जब आप छोड़ोगे धर्मशाला को। बाकी आपके ऊपर है, आपने कुछ वहाँ पे दान करना है तो दान कर सकते हो। चलो चलते हैं अब आगे। अब हम जाएंगे यहाँ से सालासर बालाजी, अब वहाँ के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद हो सकता है रात को ही हम अपना वापस दिल्ली निकल जाए। हमने दर्शन कर लिए, फिर उसके बाद भैया के पास गए निशान लेने के लिए, उन्होंने हमारे को झंडे दिए, एक जियाजी के पास, दो मेरे पास। अब हम जाएंगे घर और इसको लगाएंगे छत पर खाटू श्याम जी की कृपा के लिए, तो सुरक्षा बनाए रखें।